दिन में इट्स फाइन क्योंकि आसपास लोग होते हैं, पर रात में तो मतलब इवनिंग टाइम से तो बिल्कुल नहीं लगता कि सेफ नहीं लगता बिल्कुल। इस दर्ज कर रेपिस्ट को गिरफ्तार किया गया और अब मुकदमा चलाया जाएगा, फिर से एक और मुकदमा। क्या ये चीजें मुकदमे में ही खत्म होती जाएंगी? क्या लड़कियां कभी सेफ हो पाएंगी? लड़कियां छोड़ो, छोटी बच्ची भी सेफ हो पाएगी? नमस्कार, मैं परी सोनी ट्रू टू लाइफ न्यूज से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे संगम विहार की, जहाँ एक छोटी 6 साल की बच्ची के साथ हुआ सेक्सुअल असॉल्ट। मंगलवार 23 अप्रैल को बच्ची न जाने क्यों ट्यूशन से जल्दी घर आ जाती है। माँ के मन में संकोच होता है कि शायद कुछ तो गलत हुआ है। माँ के बार बार आग्रह करने पर बेटी बताती है कि उसके ट्यूशन टीचर के बेटे ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। 6 साल की बच्ची हुई यौन उत्पीड़न का शिकार। उसकी माँ को जैसे ही पता चला, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। ये केस IPC की धारा 354, 354B, 342 और धारा 10 गंभीर यौन हमले के तहत दर्ज किया गया है, पॉस्को एक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिलकर हम पब्लिक से बात करते, आखिर उनका क्या कहना है, क्यों रेप्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन? पहले का टाइम होता था, लोग कहते थे कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, ऐसे करती है, वैसे करती हैं। पर आज का टाइम देखिए कि मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप्स हो रहे हैं। 4 साल की बच्ची ने ऐसे क्या ही कपड़े पहने होंगे जो उसके साथ रेप हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या कारण है जो उनके साथ रेप हो रहा है? ये मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोगों की सोच है जो कि गंदी सोच है, उसको सही करना है लोगों को। कपड़ों से कुछ नहीं है, ये दिमागी बीमारी है, उसको हम सबको मिलकर समाज को ठीक करना होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जैसे दिल्ली में रह रही है, तो आपको रात में निकलने में या दिन में भी कभी सेफ फील होता है? दिन में इट्स फाइन क्योंकि आसपास लोग होते हैं, पर रात में तो मतलब इवनिंग टाइम से तो बिल्कुल नहीं लगता कि सेफ नहीं लगता बिल्कुल। सर नमस्कार, आपको क्या लगता है कि किस कारण से आजकल रेप्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन? बच्ची हो या बड़ी लड़की हो, किसी के साथ किसी भी समय कुछ भी हो जाता है। इसके लिए तो मैं बेसिकली कुछ कारण है जिनके लिए, एक तो सबसे पहले मैं एक सिनेमा को भी बोलूँगा, क्योंकि सिनेमा में जो चीज़ है ना वो इस तरह से दिखाई जाती है, कुछ हद तक ऐसा एक्सपोज किया जाता है। जैसे एकता कपूर का जो ऑल्ट बालाजी है उस पर ऐसे न्यूडिटी पेश की जाती है कि ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्गरिटी होती है। तो मैं एक रीज़न वो भी डालूँगा, एक चीज़ें करें उसे सेंसर करें और एक लिमिट में चीज़ें दिखाई जाएँ। तो मैं उस चीज़ को बोलूँगा कि वहाँ भी थोड़ा सिनेमा जो है ना ऐसी चीज़ों को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करे कि हाँ सेफ एंड सिक्योर रहे। दूसरा ये भी रहता है कि जो लोग हैं ना थोड़ा सा अपना माइंड ना लोगों का जो सोचने का तरीका है वो रेस्पेक्ट की नज़र से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर शॉर्ट पहना हुआ है तो उसे इस तरह से देखें, गंदी नज़र से देखें। थोड़ा जब माइंड में चेंज लेके आएगी ना सोसाइटी, अपनी माइंड में चेंज लेके आएगी, तो डेफिनेटली रेप ना कम होंगे उसकी वजह से। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जैसे दिन ब दिन रेप्स बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ अखबार TV में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि छोटी बच्ची हो या लड़की, किसी के साथ कहीं पर भी रेप हो जाता है या कोई भी बदतमीजी कर जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कानून को और सख्त बनाने की ज़रूरत है हमें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आपने जो ये सवाल पूछा कि लड़कियाँ और औरतों जो का रेप बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, इसमें कुछ औरतों का भी दोष होता है। अपना लिबास सही से पहन के आए तो रेप कम हो जाएंगे। आप औरतों की बात करो, एक 4 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची के साथ जब रेप होता है तो उसके लिबास पे भी आप कहना चाहेंगे? मैम वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है, बच्चों का देखो, इन 5 जो उंगली है बराबर नहीं है, किसी का गंदा नज़र होता है वो, उनको सरकार को भी थोड़ा टाइट होना चाहिए और पब्लिक को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि किसी को भी कोई भी जाए ना जाए उसको अपने नज़र से देखना चाहिए, भाई बहन के नज़र से देखना चाहिए, उससे रेप कम हो जाएगा देश में। और क्या कारण लगता है कि आजकल रेप्स बढ़ रहे हैं? पहले तो सिर्फ कहते थे कि यंग लड़कियां हैं और ऐसे कपड़े पहनती वैसे, पर आज के टाइम आगे 4 साल की बच्ची हो या 6 साल की बच्ची हो, उनके साथ भी रेप हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है? मेरे को जिस हिसाब से लगता है कि जो अभी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि आजकल जो खासकर सोशल मीडिया में, इसके लिए ज़्यादा वो मानूंगा इंटरनेट पे, लोग आजकल के दिमागों में जो एक बोलना चाहिए एजुकेशंस कम हो रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के, और सोशल मीडिया में जो चीज़ उनको डिलीवर की जा रही है इसमें वो उस चीज़ों को ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो चीज़ केवल वो केवल अपने मन में उनकी एक जैसे एक बोलना चाहिए हवस टाइप से भर जाती है, जो कि फिर वो चीज़ नहीं देख पाते कि सामने वाला कौन सी एज का है, क्या सही है क्या गलत है। वो उनके मन में इतना ब्रेन वॉश कर लिया गया सोशल मीडिया में आजकल जो आ रही प्लेटफॉर्म्स। और दूसरा चीज़ भाई, हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा सा इस चीज़ों में अवेयर होना पड़ेगा
कि इन चीज़ों के लिए मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, पुलिस को भी, कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि किस इन चीज़ों को कैसे रोकना चाहिए, इनको उनको एक प्लान बना के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए समाज में। तो इन और जो बेसिकली सबसे बड़ा कारण मेरे को तो लगता है कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आजकल अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट्स में, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो रोल प्ले कर रही है इन सब चीज़ों में होने सारा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को तो बहुत मैं हद तक मानूंगा। दूसरा चीज़ आपकी सोसाइटी, किसी का ब्लेम है कपड़ों पर तो किसी का सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम पर। कई लड़कियां तो डर के मारे FIR तक दर्ज नहीं करती है, पर अब वो टाइम आ गया है, लड़कियों को इन दरिंदों को लोगों के सामने लाना ही होगा। आखिर कब तक ये हर एक की माँ बेटी के साथ ये सब करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ट्रू टू लाइफ न्यूज़ पर। प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज़।